हेलो दोस्त, कैसे हो आप? लगता है अच्छे ही होंगे। आइए आज आपको एक नई कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। तेज हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे खड़ा था और तभी उस पर पेड़ की भारी शाखा आकर गिर गई। सियार के सिर में गहरी चोट लग गई और वह डरकर अपनी मान में भाग गया। उस चोट का असर कई दिनों तक रहा और वह शिकार पर नहीं जा सका। खाना न मिलने से सियार प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा था। एक दिन उसे बहुत तेज भूख लगी थी और अचानक उसे एक हिरन दिखाई दिया। सियार उसका शिकार करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे दौड़ा, लेकिन वह बहुत जल्दी थक गया और हिरन को नहीं मार पाया। सियार पूरे दिन भूखे प्यासे जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला जिससे वह अपना पेट भर सके। जंगल से निराश होकर सियार ने गाँव की ओर जाने की ठानी। सियार की उम्मीद थी गाँव में उसे कोई बकरी या मुर्गी जरूर मिल जाएगी जिससे वह अपनी भूख मिटा सकता है और अपनी रात काट सकता है। गांव में सियार अपना शिकार ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर कुत्तों के एक झुंड पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। सियार को कुछ समझ में नहीं आया और वह धोबियों की बस्ती ओर दौड़ने लगा। कुत्ते लगातार भौंक रहे थे और सियार का पीछा कर रहे थे। सियार को जब कुछ समझ में नहीं आया तो धोबी के उस ड्रम में जाकर छुप गया जिसमें नील घुला हुआ था। सियार को न पाकर कुत्तों का झुंड वहां से चला गया। बेचारा सियार पूरी रात उसी नील के ड्रम में छुपा रहा। सुबह सवेरे जब वह ड्रम से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर नीला हो गया है। सियार बहुत चालाक था, अपना रंग देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह वापस जंगल में आ गया। जंगल में जाकर उसने ऐलान किया कि वह भगवान का एक संदेश देना चाहता है, इसलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। सारे जानवर सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे एकत्रित हो गए। सियार ने जानवर की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे यह अनोखा रंग भगवान ने दिया है और कहा है कि तुम जंगल पर राज करो। भगवान ने मुझसे कहा है कि जंगल के जानवरों का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सभी जानवर सियार की इस बात को मान गए और एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, क्या आदेश है? सियार जंगल से चले जाएं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि सियारों की वजह से इस जंगल पर बहुत बड़ी संकट आने वाली है। नीले सियार की बात को भगवान का आदेश मानकर सारे जानवरों ने जंगल के सभी सियारों को जंगल से बाहर खदेड़ दिया। ऐसा नीले सियार ने इसलिए किया क्योंकि अगर सियार जंगल में रहते तो उसकी पोल खुल सकती थी। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झेलते और बंदर उसके पैर दबाते थे। सियार का मन किसी जानवर को खाने को करता तो वह उसकी बलि मांग लेता। अब सियार कहीं नहीं जाता था, हमेशा अपनी शाही मांद में बैठा रहता था और सारे जानवर उसकी सेवा में लगे रहते थे। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी, वह मांद से बाहर आया तो उसे सियारों की आवाज़ सुनाई दी जो कहीं दूर बोल रहे थे। रात को सियार हू हू की आवाज़ निकालते हैं क्योंकि ये उनकी आदत होती है। नीला सियार भी अपने आप को रोक नहीं सका, उसने भी जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के सभी जानवर इकट्ठे हो गए। उन्होंने नीले सियार की हू हू की आवाज़ निकालते हुए देखा। तब उन्हें पता चला कि यह सियार है और इसने हमें बेवकूफ बनाया है। अब नीले सियार की पोल खुल चुकी थी। यह पता चलते ही सभी जानवर उस पर टूट पड़े और उसको मार डाला। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक ना एक दिन पोल खुल जाती है। किसी को भी ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए।